दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू कुमार उन्नति रेबिट फार्म से। दोस्तों, रेबिट फार्मिंग से जुड़ी हुई एक नई अपडेट के साथ मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप लोगों ने चैनल को इतना पसंद किया कि आज जो है चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। तो उसके लिए जो है आपका धन्यवाद कि आप चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोज़ को रेस्पॉन्स देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं इसी तरह से आप लोगों को रेबिट फार्मिंग और रेबिट से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशंस आपको देता रहूँ। साथ ही रेबिट फार्मिंग को किस बेटर तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट लिया जा सकता है, समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है रेबिट फार्मिंग से, किसी भी तरह की जो समस्याएं आती हैं उनको, तो उसी के रिगार्डिंग जो है वीडियो हम बनाते रहेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। तो दोस्तों, रेबिट फार्मिंग से जुड़ा हुआ एक जो नया अपडेट है आज के इस वीडियो में, वो है रेबिट की एक प्रॉब्लम होती है पैरों में सोरोक्स, यानी कि पैरों के जख्म, यानी खरगोश को जो है पैरों में घाव जो हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। जैसा कि आप अभी इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से खरगोश के पैरों में घाव हो जाते हैं, और ये क्यों होता है, इसका क्या रीजन्स होते हैं, या इसके बचाव क्या है, इसके लक्षण क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सोरोक्स होता क्या है। सोरोक्स यानी कि पैरों के जख्म, यानी कि खरगोश को क्या होता है कि जो उसका पैरों का जो नीचे का जो पार्ट होता है, उसका पंजे का जो पार्ट होता है नीचे का, जिसको वो टिकाता है जमीन पे या केज पे, उसमें क्या है धीरे धीरे जख्म होने लग जाते हैं, छोटे छोटे जख्म होते हैं और वो धीरे 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 बढ़ना शुरू होते हैं और पूरा एक घाव बन जाता है उसके पैरों में नीचे, जिसकी वजह से वो उसको टिका नहीं पाता है पैर को। और वो धीरे धीरे इसकी वजह से क्या होता है कि रेबिट जो है धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है, उसका हेल्थ जो है डाउन हो जाती है, काफी वीक हो जाता है, चलना फिरना बंद कर देता है, एक ही जगह पे सुस्त होकर बैठा रहता है। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं सोरोक्स के, यानी कि सोरोक्स जब होता है रेबिट को तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रेबिट के जो है धीरे धीरे उसका वेट कम होने लग जाता है, भार कम होने लग जाता है, और उसमें एनोरेक्सिया के जो है लक्षण दिखाई देते हैं, और सुन्न होने की प्रॉब्लम जो है रेबिट में होने लग जाती है। तो इलाज और रोकथाम, ये दो चीज़ें हैं इसके लिए। उसके पहले हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, कि जो रेबिट क्यों होता है, खरगोश उसके पैरों में जख्म क्यों होते हैं, या सोरोक्स की जो प्रॉब्लम है वो रेबिट में अक्सर आती क्यों है। तो जो सोरोक्स की प्रॉब्लम जो रेबिट में आती है, वो उन रेबिट में ज़्यादा आती है जो लोग अपने खरगोश को या अपने रेबिट को केजेज में रखते हैं, या केज सिस्टम जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि हम लोग फार्मिंग में मैक्सिमम केज सिस्टम फॉलो करते हैं, जो कि अभी मॉडर्न मेथड है आज के टाइम पे। इससे पहले जो लोग रेबिट को रखते थे वो जमीन पे रखते थे, उसको कॉलोनी सिस्टम हम लोग बोलते हैं, जो जमीन पे कुछ पार्टीशन बना के, या जैसे जैसे उनको अपना जो है वो पार्टीशन बना के, या कुछ जमीन के अंदर बिल वगैरह मटका वगैरह डाल के, कुछ बकेट वगैरह डाल के, वो एक सिस्टम के थ्रू कॉलोनी सिस्टम में जो रखा जाता था। उसके बाद क्या है, जैसे मॉडर्न मेथड आया तो उसमें लोगों ने केजेज में रेबिट को रखना शुरू किया। तो केजेज जो होते हैं वो गैलनाइज्ड वायर मेस के बने हुए होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो वायर मेस जो होती है वो धीरे धीरे पुरानी होती जाती है, उसमें पानी लगने की वजह से या रेबिट का यूरिन लगने की वजह से उसमें क्या धीरे धीरे जंग आना शुरू होने लग जाता है, क्योंकि होता क्या है वो एक्चुअली आयरन होता है, लोहा होता है, तो लोहे में जंग लगना स्वाभाविक है। तो उसकी वजह से क्या है कि वो जैसे पुराना केज होता जाता है, तो उसमें जो गैलनाइज्ड की एक परत होती है, लेयर होती है, वो धीरे धीरे उतर जाती है, और वो जैसे वो लेयर उतर जाती है, केज धीरे धीरे क्या है कि रेबिट के यूरिन की वजह से और पोटी की वजह से गंदा भी होने लग जाता है, अगर हम टाइम टू टाइम अगर उसकी सफाई ना करें केज की। और जब ये चीज़ें केज में ज़्यादा होती है, उसके टाइम टाइम सफाई नहीं होती, या उस पर कुछ सैनिटाइजर वगैरह छिड़काव नहीं किया जाता, तो धीरे धीरे उनमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और एक टाइम बाद क्या होता है कि इन्हीं सभी प्रॉब्लम की वजह, क्योंकि रेबिट का जो मोस्टली पार्ट होता है पैर का, जो पंजा होता है, यानी कि उसके जो नीचे का हिस्सा होता है पैर का निचला हिस्सा, वो जो रेबिट का के पंजा जो होता है वो सबसे ज़्यादा केज को टच करता है, और धीरे धीरे उसी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से वो घाव इतना बढ़ जाता है कि रेबिट जो है खाना पीना कम कर देता है, और उसका जो है चलना फिरना बंद हो जाता है एकदम से, उसका बॉडी जो सुन्न होने लग जाती है, एनोरेक्सिया के लक्षण उसमें दिखने लग जाते हैं, और भार कम होने लग जाते हैं, उसका वेट कम हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलाज की। तो अगर आपके रेबिट में ये प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि सो रोग से आप पैरों के जख्म की अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है रेबिट के जो पैरों के जो जख्म है उनको, घाव है उनको, आप जो डिटोल होता है, डिटोल आती है, या फिर जानवरों के लिए एक घाव साफ करने का जो स्प्रिट आता है, यानी कि सॉल्यूशन आपको मार्केट में मिल जाएगा वेटनरी मेडिकल शॉप पे, वो लेके उसके घाव साफ कर दें आप। घाव साफ करने के बाद एक मार्केट में घाव भरने की क्रीम आती है, वो भी आप उसको लगा के और पट्टी आप जो है उस पर बांध सकते हैं।
अगर वो, इसके अलावा आप जो दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो जिंक का लेप, और जिंक का लेप जो है वो भी आप इसके पंजों पे जहाँ पे जख्म हो रहे हैं वहाँ पे आप लगा के और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयोडीन और अमोनियम एसीटेट का घोल, उसको 0.2% की उसमें बना के, और वो भी आप जो है रेबिट को जो सोरोक्स की प्रॉब्लम के लिए आप यूज कर सकते हैं। उससे भी आपके रेबिट को जो सोरोक्स की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये थे इसके लक्षण कि सोरोक्स क्या होता है और किस तरह से रेबिट में आता है और इसके इलाज क्या है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बचाव की, क्योंकि अगर हम बचाव कर लेते हैं तो सोरोक्स की प्रॉब्लम आती नहीं है, तो हमें इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी भी लाइव स्टॉक बिजनेस में जब हम जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए बचाव और बचाव, और बचाव आता है फार्म मैनेजमेंट के अंदर। तो यानी कि आपका फार्म मैनेजमेंट कितना अच्छा है ताकि आप कोई बीमारी को जो है अपने जानवर से ज्यादा दूर रखें। तो इसके लिए बचाव क्या है, बचाव के लिए क्या है कि आपको दो चार काम जो है रेगुलर करने चाहिए अपने फार्म के अंदर। पहला, फार्म के नीचे की सफाई जो है बराबर होनी चाहिए, जहाँ पे रेबिट का यूरिन और उसका जो है मैन्योर जो गिरता है केस से नीचे, उसकी सफाई बराबर होनी चाहिए टाइम टू टाइम, उसमें सूखे चूने का छिड़काव होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें सैनिटाइजर या पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा होती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम केजेज पे। केजेज को भी हर 2 महीने 3 महीने बाद आपकी प्रॉपर पानी से उसकी सफाई होनी चाहिए। सफाई होने के बाद हो सके अगर आपके पास आग का कोई सिस्टम हो जैसे कि, तो उसको हल्का हल्का जो है आग के स्प्रे से आप वो कर दें, तो उससे भी आपका जो है सैनिटाइज हो जाता है केज। इसके अलावा उस पर आप डिटोल का या किसी भी तरह के सैनिटाइजर का जो है छिड़काव आप केज पे कर सकते हैं जब जानवर उसमें ना हो, यानी कि जानवर को निकाल के, रेबिट को बाहर निकाल के। इसके अलावा जब उस पर आपको लगे कि इस पर जंग आ गया है या इसका जो है गैलेनाइज की जो लेयर है वो हट गई है, तो उसके बाद आप एक उस पर प्रॉपर जो है वायर मेस के लिए जो एक तरह का जो सोल्यूशन मिलता है मार्केट में कवर करने के लिए, यानी कि कुछ उसका रेड ऑक्साइड आता है, बहुत सारी और भी चीज़ें आती है, तो वो चीज़ें लेके आप अपने जो है केज को प्रॉपर ही पेंट कर लें। पेंट करने से भी जो है उसके रेबिट को ये दिक्कत आपकी ना आएगी। तो इस तरह की सावधानी आप बरत के भी जो है सोरोक्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज एक रेबिट फार्मिंग से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें सोरोक्स के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें ताकि लोगों को रेबिट और रेबिट फार्मिंग के बारे में जानकारी जो है इजीली मिल सके। दूसरा, मैं उन लोगों से एक स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो पे आके और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख के मुझे कॉल करते हैं, तो प्लीज़ आप कॉल करना अवॉइड करें, क्योंकि मैंने जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाए वो आपके देखने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाए। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे और सीधा मुझे कॉल करेंगे तो मेरे लिए हर किसी के कॉल का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना देता हूँ वो रेबिट फार्मिंग पर्पज़ से देता हूँ, क्यों ना कि हर हर किसी के लिए जिन्होंने घर पे एक या दो रेबिट रखे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे हर किसी का जवाब देने लग गया तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों का जवाब देना फिर। तो ये जो कॉल आप करते हैं वो प्लीज़ अवॉइड करें, कोशिश करें आप सारे वीडियो देखें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। हर मैसेज का रिप्लाई मैं आपको व्हाट्सएप पे करता हूँ। ठीक है, तो आप कॉल करने से पहले और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करने से पहले सबसे पहले आप वीडियोस देखें। मेरे चैनल पे हर तरह की जानकारी रेबिट और रेबिट फार्मिंग से जुड़ी हुई आपको मिल जाएगी, हर तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ किसी तरह की दिक्कत होती है फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। दूसरा, आप रेबिट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रेबिट फार्मिंग आपको शुरू करना हो, खरगोश आपको जो है बेचने हो, खरीदने हो, या रेबिट फार्मिंग को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसमें सुधार किए जा सकते हैं, किस तरह से आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किसी भी तरह की रेबिट फार्मिंग की जुड़ी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो रेबिट फार्म है वो बांसवाड़ा राजस्थान में है, और हम रेबिट फार्मिंग से जुड़ी हुई हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फार्म सेटअप करवाना, रेबिट सेल करना, परचेज करना, ब्रीड सप्लाई करना, इसके अलावा ट्रेनिंग देना, फीड के बारे में जानकारी देना, हर तरह की इंफॉर्मेशन और फार्म स्ट्रक्चर की जानकारी देना। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।